खबर है झारखंड से। झारखंड के पलामू जिले के लहलहे पंचायत में मनरेगा सोशल ऑडिट में घोटाला हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के चल रहे मनरेगा सोशल ऑडिट में लहलहे पंचायत में अनेक कमियां सामने आई हैं। पत्रकारों द्वारा इन कमियों को उजागर किए जाने पर तत्कालीन मुखिया पूनम यादव और उनके पति संजय यादव भड़क गए और पत्रकारों पर गुस्सा उतारा। मुखिया पर आरोप है कि उन्होंने मनरेगा योजनाओं में बंदरबांट किया है। योजनाओं और राशि से संबंधित बोर्ड कार्यस्थल नहीं लगाए गए। कई योजनाओं को पूरा किए बिना ही उनका भुगतान कर दिया गया। प्राकलन राशि के अनुसार भुगतान नहीं किया गया। बिना मापी पुस्तिका के भुगतान किया गया। मास्टर रोल में मेट मिस्त्री और मजदूरों की उपस्थिति दर्ज नहीं है। यहां तक कि पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया गया ताकि कमियां सामने ना आए। मुखिया पूनम यादव ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि ये सभी योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की गई है। लहलहे पंचायत के लोगों का कहना है कि मुखिया और उनके पति ने विकास के नाम पर लूट घसोट मचाई है। गरीबों और पिछड़ों के लिए बनी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए झारखंड से अनुज तिवारी की रिपोर्ट। लहलहे पंचायत के पंचायत भवन में मनरेगा लहलहे पंचायत में 3 दिनों से चल रहे मनरेगा ऑडिट के 7 दिवसीय मनरेगा ऑडिट के दौरान क्या क्या त्रुटियां पाई गई, आइए हम बात करते हैं ऑडिट टीम से। जी मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये 7 दिवसीय ऑडिट में स्थल निरीक्षण के दौरान क्या क्या गड़बड़ियां पाई गई? सर, यहाँ स्थल जो है योजना काफी अच्छा है, पूर्ण है। ऐसा नहीं कि योजना नहीं है, सभी योजना धरातल पर पाए गए हैं जी। पर यही है, थोड़ा बहुत कमियां हैं, जहाँ काम है वहाँ तक कमियां हैं। उसमें यही बोर्ड नहीं है और जो योजना जितना खर्च है उसके अवैध में कार्य किया गया है, जितना भी योजना है। ये जो योजनाएं का ऑडिट चल रहा है, योजना किस सत्र की है? सर, ये जो है 3 सत्र का ही है, 20-21, 21-22 और 22-23 का है। जो भी योजना इस सत्र में जो पैसा इनका भुगतान हुआ है उसी का हम लोग ऑडिट करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास 52 योजना का था और बाकी PMYG था, तो हम लोग सभी का निरीक्षण किए हैं। तो 20, 21 और 22 में चल रही योजनाओं का ऑडिट जो आप लोगों ने किया, उसमें जो जगह जगह पे साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया, ये बोर्ड लगवाने का ये किनका कार्य था? देखिए, ये दो तरह से है। अगर इसमें वेंडर बोर्ड देते हैं तो वेंडर के द्वारा लगाया जाता है जी। और पंचायत कर्मी का इसमें है, ये अपने निरीक्षण में बोर्ड लगवाए। ये ऑडिट के दौरान चल रहे तत्कालीन लहलहे पंचायत के समाज सेवी संजय यादव शह, उनकी पत्नी ये पूनम देवी मुखिया, उनकी क्या रोल रहा इसमें, इस योजना के दौरान उनका कोई रोल है? वो तो इस तरह का कोई उनका नहीं है, क्योंकि उनका कार्य का नहीं था। जो भी है पिछले जो मुखिया जी थे उनका कार्यकाल का था जी, और उनका काफी सहयोग भी रहा योजना हम लोग को दिखाने वगैरह में, जो स्थल पर था तो वो हमारे सपोर्ट किए। मतलब योजना के ऑडिट के दौरान जी उनका काफी सपोर्ट रहा जी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जब योजना का ऑडिट चल रहा था, इसके दौरान हमने इंडिया लाइव टीवी, इंडिया 24x7 लाइव टीवी पत्रकार अनुज तिवारी ने आप लोगों का दस्तावेज देखना चाहा, तो तत्कालीन मुखिया पूनम देवी के पति संजय यादव ने अभद्र व्यवहार अनुज तिवारी इंडिया लाइव टीवी पत्रकार के साथ किया। क्या आपने ये सब चीजें देखी सामने? सर, इस पर तो हम नहीं कुछ भी कहना चाहेंगे इस मैटर में। और ये देखिए सर, सामने दुर्व्यवहार किया जा रहा था इस पर, हम मानते हैं इस चीज को, पर ये देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बात है कि जहाँ तक फोटो लेने की, तो ठीक है आप फोटो ले रहे थे, पर ये भी नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट्स का आप फोटो ले भी नहीं सकते हैं। हाँ, अगर जो आपका इसमें जो एक चैनल है उसमें आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप जो इसका मैं रोजगार सेवक से बात करना चाहूंगा। सर, ये जो हमने ऑडिट के दौरान जो रजिस्टर निष्पादन का रजिस्टर देखा, उसमें पाया कि आपका वो रजिस्टर खो गया है जिसमें आपने सनहा दर्ज करवाया हुआ है, तो इस तरह से जो भी योजनाएं चल रही हैं या उससे संबंधित लेखा जोखा उसमें है, वो सारी गुम हो गई? नहीं, जितनी भी योजनाएं होती हैं हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
तरह से जुड़ी हुई है जी। आप एक भी अगर योजना नरेगा का देखना चाहें तो ऑनलाइन नरेगा पोर्टल पे आप जाके हमारे लल्हे में जितनी भी अभी योजनाएं चल रही हैं या बंद हो गए या पहले जितने भी वित्तीय वर्ष में हुए सब योजनाएं ऑनलाइन पोर्टल में दिखती हैं। क्योंकि अगर मैंने दस्तावेज नहीं भी दिया तो इनके पास पूरा वो रिपोर्ट है, पूरा वो डाटा है, कितने लाभुक पर उनको मनरेगा भुगतान हुआ है या कितना का राशि था, कितना का भुगतान होना था, कार्यस्थल कहाँ है, यहाँ तक कि उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या, 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 क्या आपने कार्यस्थल का निरीक्षण किया है? जी मैंने कार्यस्थल का निरीक्षण किया हुआ है। काम चल रहा होता है उस दौरान ये स्थल निरीक्षण आपने किया होता तो क्या ये जो अपूर्ण योजना अपूर्ण रहने के दौरान भुगतान कर दिया गया है क्या ये गड़बड़ियाँ सामने आती? दरअसल इसमें कोई भी ऐसी योजना आई नहीं है जो अपूर्ण है या उसका भुगतान कर दिया गया। आपका रजिस्टर में मैंने देखा सर हाँ। कि योजना पूर्ण हुई नहीं है हाँ। और भुगतान इस तरह का रजिस्टर में आपका लिखा हुआ पाया गया। ये दरअसल लिपिकीय गलती निष्पादन रजिस्टर में जी ये लिपिकीय गलती के द्वारा हुआ था। होता क्या है कि हमारे यहाँ अगर कोई दो लाभुक है जी और वो एक ही नाम से जी तो हमने उस लाभुक का मास्टर रोल जारी किया जी, लेकिन यहाँ पे पाया गया कि वो मास्टर रोल उस लाभुक का नहीं था तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया कि जब वो लाभुक अपनी संपत्ति बनाएगी या जो भी उस कार्य को करेगा तो उसका वो मानव दिवस उसको दे दिया जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब वो अपने कार्य को चालू करेगा। तो क्या ये सोशल ऑडिट के दौरान ये जो सारी कमियां पाई गई या इस पर सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट के दौरान जो पाया गया आगे से क्या ये ऑडिट के क्या क्या लाभ मिलेगा ताकि इस तरह की गलतियां फिर लोग न दोहराएं? हाँ ये है कि जो आज जो जनसुनवाई हुआ ये उभर कर जो 24 तरह के जो मुद्दे आए हैं हमारा यही उम्मीद रहेगा कि पंचायत में लोग समझे इस चीज को और इस तरह की गलतियां ना हो। हमारा चलिए धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सोशल ऑडिट के दौरान आपने जो कार्य किया सराहनीय है। धन्यवाद जी।